सत्ता संग्राम में आज बेटे के लिए उतरेंगे पिता। विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट बनी करहल के सियासी कुरुक्षेत्र में आज दिग्गज नेता चुनावी प्रचार करेंगे। इस चुनाव में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पहली बार नजर आएंगे। वह करहल में बेटे अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी सपा के गढ़ में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वह तीसरी बार मैनपुरी की जनता से रूबरू होंगे। सबसे पहले वह 31 जनवरी को नामांकन करने आए थे। इसके बाद 6 फरवरी को करहल के नर्सिंग इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने आए थे। यहां पर चल रही सत्ता संग्राम के बीच खुद आज सपा के संस्थापक मुलायम सिंह चुनावी प्रचार में उतरने जा रहे हैं। मुलायम सिंह मैनपुरी के कोसमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह आज यहां प्रचार की कमान संभालेंगे। अब तीसरी बार अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश वोट मांगने आ रहे हैं। वह करहल विधानसभा क्षेत्र के घिरोज स्थित चापरी तिराहा पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव यहां हेलीकॉप्टर से दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे। लगभग आधा घंटा रुकने के बाद 3 बजे के करीब मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र के गंगापुर खेल मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद भोगांव विधानसभा क्षेत्र के नेशनल डिग्री कॉलेज में लगभग 4 बजे और किशनी विधानसभा क्षेत्र के आदर्श इंटर कॉलेज मैदान में 4:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इटावा चले जाएंगे। इससे पहले मुलायम सिंह 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए मैनपुरी से प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने आए थे। करहल सीट पर 2017 में सपा के सोबरन यादव ने भाजपा की रमा शाक्य को 38,000 वोटों से हराया था।